आज शिवरात्रि के महापर्व पर मंदिर शिवालयों में भगवान शिव के अभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लग गई। वहीं राजधानी रायपुर के सबसे बड़े मंदिर महादेव घाट में हटकेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भगवान शिव के जलाभिषेक करने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि इस बार महादेव घाट हटकेश्वर मंदिर को अनेक प्रकार के पुष्पों से स्वरूप में भोलेनाथ भगवान को सजाया गया है। आज शिवरात्रि का महापर्व है और शिवरात्रि के महापर्व पर राजधानी रायपुर सहित पूरे देश भर में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान शिव के स्नान कराने उनको मंदिर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ भी आज मंदिर पहुंचे हैं। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वरनाथ मंदिर में हैं। वहाँ सबसे बड़ा मंदिर है और लाखों की तादाद पर यहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि दिन भर यहाँ पर जो है भगवान शिव के जो है स्नान कराया जाएगा। यहाँ पे पंडित जी हैं, आप देख सकते हैं, वो भी लगातार सुरक्षाकर्मी भी हैं और जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं भगवान शिव को स्नान कराने के लिए। हमारे साथ यहाँ पंडित जी हैं, उनसे से सीधे बातचीत करेंगे। बसंत महाराज जी हैं, पिछले लंबे वर्षों से यहाँ पे भगवान शिव की जो है सेवा कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज भगवान शिवरात्रि है, किस प्रकार से इस बार पर्व देखा जा रहा है भगवान शिव का? भगवान शिव का पर्व यह है, अर्धनारीश्वर के रूप में उसको श्रृंगार किए हैं, दूल्हा दुल्हन की वजह से सजाए हैं उसको। अब यहाँ से 1 बजे बारात निकलेगी, रायपुरा तक आगे जाएगी, वहाँ से वापस होकर आएगी। अच्छा, पिछले बार देखा जाए तो पिछले 2 साल से कोरोना वायरस चल रहा था, जिसके चलते जो है श्रद्धालु जो है बार बार अच्छे से दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो इस बार क्या किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? इस समय स्थिति बहुत अच्छा है, लाइन से लोग आ रहे हैं, लाइन से अपना निकलते जा रहे हैं, जल वगैरह अभिषेक दूध वगैरह जो भी चढ़ाना है वो सब चढ़ा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। व्यवस्था सब पूरी तरह से है, पुलिस की व्यवस्था है, प्रशासन पूरा मदद कर रही है, कोई प्रकार की शिकायत नहीं है यहाँ पे। श्रद्धालु किस तरह से आ रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं? वो तो श्रद्धा है उसके, वो श्रद्धा अपना जाहिर कर रहे हैं, श्रद्धालु तो आते ही रहते हैं। और 2 साल से अभी कोरोना की वजह से अभी आए भी नहीं थे, तो इसलिए और ज़्यादा भीड़ लगी है। श्रद्धालु उनसे भी हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 2 साल से कोरोना वायरस चल रहा था, क्योंकि अब कोरोना ऐसा कोई स्थिति नहीं है, तो अब कैसे देखते हैं आप सर? यहाँ पर अब 2 साल तो हो गए कोरोना को, लेकिन फिर भी हम लोग आते ही हैं और सावधानी भी बरतनी होती है, हम बरतते हैं उसको, हम बच्चे को भी लेके आए हैं, लेकिन वही सावधानी साथ आना पड़ता है, ज़रूरी है, वही आना ज़रूरी है। कुछ महिलाएँ भी, उनसे भी बातचीत करें, पिछले कितने वर्षों से आ रही है आप यहाँ मंदिर में? हम तो पहली बार है। आप कितने वर्षों से आ रही हैं मंदिर? 25 साल से। 25 साल से। इस बार कैसे देखते हैं आप? भारी भीड़ है, देखो। अच्छा है। स्नान करवाएंगे? हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगी, भीड़ है बहुत, अभी जल्दी घर जाना है हम लोग को। बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ हटकेश्वर महादेव मंदिर में आए हुए हैं, हजारों की तादाद है, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। इनका केवल एक ही जो है उद्देश्य है कि भगवान शिव को जो है आज शिवरात्रि का महापर्व है, जिसको लेकर भगवान शिव का जो है स्नान कराने आज यहाँ पे बड़ी संख्या में मंदिर यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। TCP24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव राय।